नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंद कुमार और अभी हम सीपीजी कॉलेज में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित प्रकाश सिंह, खासतौर से सीपीजी कॉलेज में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में आए। आइए जानते हैं क्या कुछ है उनका एक्सपीरियंस था और बच्चों को उन्होंने क्या निर्देश दिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जिस प्रकार से सीपीजी कॉलेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है, क्या कुछ कहेंगे आप सीपीजी कॉलेज पर? दिस इज ए ग्रेट एफर्ट डन बाय सीपीजी कॉलेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक। दे हैव motivated students to attend in-person orientation courses, and in fact what I have seen in this college that they have arranged each and every schedule of lectures, book banks, materials in a packed manner. So they are going to give all these relevant material, course material, books to the students. So this is a good part from the college, that and it gives us the students a good feeling. In fact, the students are attending colleges after a long break. So this will help them to motivate and to attend the lectures in a better manner. आपने कहा कि new education policy में काफी कुछ बदलाव आने वाला है, स्किल में काफी डेवलपमेंट होने वाला है, कैसे और क्या कुछ ऐसा? कीपिंग इन व्यू ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ने कोर्स करिकुलम रीडिजाइन किया है, जो कि इसी साल से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सभी प्रोग्राम में हमने रीडिजाइन कर दिया है, तो स्पेशली जो BCA है और BBA और BCOM के कोर्सेज के लिए हम लोगों ने रीडिजाइन कोर्सेज किया है। और चूँकि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस में मल्टीपल डिसिप्लिन है, हमारे यहाँ थोड़े से इशूज कुछ कॉलेजेस में ये आते हैं कि कुछ कॉलेजेस में सिर्फ BCA प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो इसलिए हमें वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हम उनको क्या ऑप्शंस दे रहे हैं, इलेक्टिव्स क्या दे रहे हैं। तो चूँकि इस पर्टिकुलर कॉलेज में मैनेजमेंट कोर्सेज भी हैं, लॉ कोर्सेज भी हैं और कॉमर्स कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी हैं, तो यहाँ पर बच्चों को ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे इलेक्टिव, जो कि इलेक्टिव कोर्सेज हैं। तो बच्चे BBA के भी कोई कोर्स एज ए ऑप्शन ले सकता है, जो कि हम उसको एज NEP हम उसको कंसिडर करते हैं, ओपन इलेक्टिव। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस बच्चों को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और न्यूकॉन पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी कुछ बदलाव है। यस, निश्चित तौर पर स्किल भी डेवलप होगा। CPG कॉलेज को और कुछ क्या कुछ निर्देश देंगे इस वजह? हाँ, इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ इनके साथ ये है कि दे हैव अ वेरी गुड फैकल्टी मेम्बर्स, और इनके टीचर्स की रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा है। इट शोज दैट द प्रोफेशनलिज्म इन द एजुकेशन एरा, और दे आर डूइंग वेल। और लेट्स होप कि बच्चे इन पर्सन आना शुरू करें, क्योंकि स्किल एजुकेशन ऑनलाइन से थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि व्हेन वी हैव अ क्लास ऑफ बैच ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन द लैब्स, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेक ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स दैट हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर प्रोग्राम्स। बेसिकली कंप्यूटर साइंस में मेनली उन्हें नए नए सॉफ्टवेयर सिखाने होते हैं, तो हमें उनको एरर रिमूव करने में, उनको डिबगिंग कराने में हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो जितना जल्दी हम इन पर्सन होंगे, वी विल बी एबल टू हेल्प अवर स्टूडेंट इन अ बेटर वे। तो क्या लगता है कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा, या पूरी तरह से यूनिवर्सिटी तैयार है कि ऑफलाइन? हम ऑफलाइन में ही होगा एजुकेशन तो, और हम इनफैक्ट यूनिवर्सिटी इज प्रिपेयरिंग इट्सेल्फ कि हम दिसंबर से ऑफलाइन पे चले जाएंगे। वी आर जस्ट वेटिंग कि ओमिक्रॉन हाउ इट बिहेव्स, और यदि ये 10-15 दिन में वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द बिहेवियर ऑफ दिस वायरस, तो उसके बाद हम एंड टर्म एग्जामिनेशन इसीलिए डिले कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि ये चीज़ें स्मूथ हो जाएं, तो ऑफलाइन में ही बेटर होगा। BBA स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को क्या कुछ संदेश देंगे चलते चलते आप? BBA के बच्चों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और वो आजकल बिजनेस एवेन्यूज और नई नई चीज़ें सीखने के लिए उनको उनके पास बहुत है, तो दे शुड लर्न कि एंटरप्रेन्योर स्किल्स क्या होती हैं, स्टार्टअप क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो उनको ये पॉलिसीज पढ़नी चाहिए, सो दैट दे विल बी एबल टू एस्टैब्लिश देयर ओन स्टार्टअप। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमित कुमार, अमित प्रकाश सिंह, जो खास तौर से बता रहे थे कि आज व्यवहारिक शिक्षा की ज़्यादा जरूरत है, और इसी पर CPG कॉलेज भी आगे बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।